नमस्कार, खबर दोपहर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हितेश व्यास। सतना से शुरुआत करते हैं, जहां पर मकान में पेट्रोल बम से हमला किया गया है और ये घटना सीसीटीवी फुटेज भी इसका घटना का सामने आया है। अज्ञात हमलावरों पर एफआईआर दर्ज की गई है। शहर के पन्ना नाका के पास का ये घटनाक्रम बताया जा रहा है। एक मकान पर पेट्रोल बम से हमले की खबर आ रही है सतना से, और इस पूरे घटनाक्रम का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। उसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अज्ञात हमलावरों पर एफआईआर दर्ज की गई है। शहर के पन्ना नाका के पास में ये पूरा घटनाक्रम हुआ। तो ये पेट्रोल बम फेंका गया है एक मकान के भीतर सतना में, और पेट्रोल बम से अज्ञात हमलावरों ने हमला किया और उसके बाद वहीं पर घर के भीतर ही खाड़ी जो गाड़ी खड़ी हुई थी उसमें आग लगते लगते बची, बल्कि आग गाड़ी में लग भी गई थी। और इसके बाद शहर के पन्ना नाका इलाके का ये पूरा घटनाक्रम बता रहा है। मृदुल पांडे हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। मृदुल, ये बताया जा रहा है कि घर में किसी ने पेट्रोल बम से हमला किया है और अज्ञात हमलावर बताए जा रहे हैं, क्या कुछ जानकारी निकल के आ रही है? बिल्कुल, नागौर थाना क्षेत्र का ये मामला है और ये पन्ना नाका का इलाका है, जहाँ पे अनुराग सिंह जो कि पीड़ित हैं, जिनका मकान है ये, अनुराग सिंह के घर पे देर रात पेट्रोल बम से हमला किया गया। दो हमले किए गए जिसमें उनकी घर में चारों तरफ आग बिखर गई और जो वाहन उनका खड़ा था i20 उस पर भी आग लग गई थी। हालांकि तुरंत घर वाले सक्रिय हो गए और आग पर काबू तो पा लिया है, लेकिन जिस प्रकार से ये हमला था, यदि कोई व्यक्ति वहां पे बैठा होता तो निश्चित तौर पर उसको किसी न किसी प्रकार की क्षति होती। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम से किसी प्रकार की जनहानि या कोई बड़ी क्षति नहीं हुई है, लेकिन जिस तरह से ये हमला किया गया था पूरी तरह से जानलेवा हमला बताया जा रहा है। और पुलिस ने इस पर मामला भी कायम किया, अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला कायम किया गया है, लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं कि नाम भी सामने आ गए हैं, कुछ देर में हम तक भी वो नाम आ जाएंगे कि आखिर किन लोगों ने ये हमला किया है। बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश थी अनुराग सिंह से कुछ लोगों की, जिसको लेकर यह पूरा घटनाक्रम हुआ है। ठीक है, नजर बना के रखिएगा। मृदुल, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका।